हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी देखिए करीब 7 बज रहा है। तो आज बन रहा है मेरे यहाँ चिकन। ये है फुल चिकन जो कि घर में काटा गया है और स्किन वाली है। तो मुर्गा बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। ये आप जो देख रहे हैं, जो छिलका उतार है घर में स्किन वाली चिकन, तो ये बॉयल कर दिया गया है। पानी करीब 10 मिनट बॉयल किया है नॉर्मल आँच पे। ये चूल्हा पर बनाया गया था तो गर्म करके फिर लाया, उसमें डुबाया। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, आप चिकन को अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। तो देखिए चिकन हमारा साफ हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और हम लोग बराबर इसी तरह बनाते हैं चिकन, क्योंकि मार्केट में हम लोग नहीं बनाते, यहाँ घर में बनाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए सारा साफ हो गया फ्रेंड्स, अब इसको आग में झोंसा जाएगा। तो झोंसने का वीडियो नहीं डाल पाऊँगी मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, झोंस करके लाया, धोया, उसके बाद देखिए पीस कर रहा है, पीस, छोटा छोटा पीस। देखिए फ्रेंड्स, तो अब देखिए ये पथरी होता है ना, पथरी पाचन वो है, तो इससे भी वो पीली वाली भाग निकाल दिया जाएगा। ये जो पीली वाली भाग दिख रहा है ना फ्रेंड्स, तो ये गंदगी है, तो उसे निकाल दिया जाएगा। तो इसे फिर साफ कर रहा फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना फ्रेश हो जाता है निकालने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा साफ हो चुका है, देखिए साफ हो गया फ्रेंड्स। अब इसको छोटे छोटे पीस में, दो या तीन पीस किया है, तीन पीस किया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, तीन पीस दिख रहा है। तो अब ये बचा लीवर, अगर आप लीवर नहीं बनाना जानते तो देखिए इसका भी लीवर बनाने का मैं तरीका बताती हूँ। तो ये लिया नारियल वाली झाड़ू जो होता है, हम सब जो बोरते हैं ना, तो वो झाड़ू है फ्रेंड्स। झाड़ू का एक सिक्की लिया, फिर ना वो जो लीवर है उसके अंदर, वो भोटी के अंदर घुसाया सिक्की को। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर उसको पलटाएगा तो ऐसे क्या होता है फ्रेंड्स, सारा गंदगी जो है इसका बाहर निकल जाता है, जो अंदर वाली भाग होता है बाहर आ जाता है। देखिए सारे को इसी तरीके से निकालेगा फ्रेंड्स। तो देखिए एक ठो निकाल दिया, थोड़ा फिर तोड़ करके, जितना बड़ा सिक्की है झाड़ू का तो उतना बड़ा तोड़ तोड़ करके वैसे करके साफ करेगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं इस सारा साफ कर रहा है ऐसे, अच्छी तरीके से लीवर बन जाता है फ्रेंड्स। देखिए इसको साफ किया है। तो ये खाने से क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे जिसका लीवर कमज़ोर है वो इसे खा सकता है, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। अभी लग रहा है ये थोड़ा सा पतली टाइप का, जब ये भुजाएगा फ्रेंड्स तो ये मोटा हो जाएगा, और थोड़ा इसका जो लीवर का मीट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो हम लोग ज़्यादा यही खाते हैं, मतलब लीवर हम लोग को पीस उतना पसंद नहीं पड़ता है, लीवर जितना पसंद पड़ता है। आप लोग अगर नहीं खाएं तो प्लीज़ एक बार बना करके खाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे को छोटे छोटे पीसेस में काटा जा रहा है, तो सारे कट गया फ्रेंड्स। तो इधर मेरा चिकन घर में बन के रेडी हो गया था, इधर कढ़ाई चढ़ा दिया था सासू माँ ने, फिर उसमें डाला था तेल, गर्म होने के बाद प्याज डाल दिया था, ये करीब 250 ग्राम के आसपास प्याज है। तो देख सकते हैं ये प्याज मेरा पक रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद प्याज पकने के बाद देख सकते हैं मसाला को भुना जा रहा है। मसाला में फ्रेंड्स क्या क्या था मैं आपको बताती हूँ, लहसुन, अदरक, जीरा, मरीच, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला था फ्रेंड्स। तो सारे मसालों को पकाया जा रहा है, देखिए मसाला हमारा पकने को है। तो देखिए पक गया था फ्रेंड्स, तो थोड़ा पानी दे करके और पकाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा पक गया है, देखिए साइड में हल्का हल्का तेल निकल रहा है फ्रेंड्स। तो ये हमारा मसाला पक गया है, तो फिर भी थोड़ा सा और पकाया जाएगा इसे। तो आप देख सकते हैं मेरा मसाला पक गया है, तो अब इसमें मीट
डाला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मीट डाला गया है। तो अब इसको हमारा चिकन डाल दिया गया फ्रेंड्स। तो इसमें आँच लगाएगा थोड़ा मीडियम साइज, क्योंकि फ्रेंड्स चिपक रहा है, तो थोड़ा लो आँच पर किया जाएगा। तो देखिए लो आँच करके फिर इसको भूना जाएगा। तो इसको फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट भूनेंगे इसी तरह। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मसाला भुना गया है, थोड़ा चिपक रहा है। तो उसके बाद भी भुना जाएगा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा पानी दे दिया जो चिपक रहा था ना फ्रेंड्स, उसके वजह से, क्योंकि कम तेल में बनाया जा रहा है, तो उसके वजह से थोड़ा पानी दिया। तो देखिए हमारा चिकन ये भुना गया है, करीब 7 से 8 मिनट भुनाया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना टेस्टी दिख रहा है, और इतना ही टेस्टी फ्रेंड्स खाने में भी लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी चिकन भुना गया है करीब 7 मिनट के आसपास। अब इसमें पानी डालेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन पूरा भुना गया है। अब इसमें पानी डाल रहे हैं, देखिए वाह कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं चिकन में करी डाला गया है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा करी डालेंगे क्योंकि फैमिली थोड़ा ज़्यादा है ना, तो नहीं हो पाता है, तो इस वजह से थोड़ा पानी और डालेगा फ्रेंड्स। तो देखिए इतना पानी काफ़ी है, और अब इसे पकाएंगे करीब 5 से 7 मिनट और पकाएंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इधर पक गया है, और फिर भी 5 से 7 मिनट और पकेगा। देखिए हमारा चिकन रेडी हो गया है, इधर सूखा निकाल के खा रहे लो। तो हमारा चिकन बन के रेडी है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़